तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे चलाएं, लैपटॉप में व्हाट्सएप ओपन कैसे करें, तो वाइज वो हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जो है हम इसमें व्हाट्सएप चला के दिखाएंगे। तो गाइज ये देखिए, आपको सबसे पहले इसके लैपटॉप का नेट कनेक्ट कर लेना है गाइज, और आपको नेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इसकी स्क्रीन पर चले जाना है। इस तरीके से आपको इसके जो क्रोम ब्राउज़र है, एक क्रोम ब्राउज़र पर आपको चले जाना है गाइज। इस पर आपको ओके कर देना है क्रोम ब्राउज़र, और ये देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं आपकी जो जीमेल है, वो आप जिस जीमेल पर आप जो व्हाट्सएप ओपन करना चाहते हैं उस पर आपको ओके कर देना है। इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको ये देखिए इस तरीके से जो आपका इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है व्हाट्सएप वेब, यहाँ पर व्हाट्सएप वेब कर दिया, उस पर आपको ओके कर देना है इस तरीके से। और ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप वाले वेब पर आपको ओके कर देना है, इस तरीके से आपको ओके कर देना है, और आप देखिए इस तरीके से जो आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना जो क्यूआर आ जाएगा व्हाट्सएप वाला, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने मोबाइल पर चले जाना है। यहाँ पर आपके अपने मोबाइल पर चले जाएंगे इस तरीके से, मोबाइल का जो आप लॉक है वो खोल लेंगे, और इस तरीके से आपको चले जाना है। ये देखिए गाइज आपको व्हाट्सएप में चले जाना है। इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में चले जाएंगे, जो भी आपका व्हाट्सएप आप यूज करते हैं उसी व्हाट्सएप में आप चले जाना है। और आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है इस तरीके से, चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ पर चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिंकेड डिवाइस पर आपको ओके कर देना है, और आपकी जो यहाँ पर डिवाइस में कनेक्ट है पहले से वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इनको हम लॉग आउट कर देंगे, इनको हमें लॉग आउट कर देना है, जो भी हमारे ये डिवाइस हैं पहले से कनेक्ट हैं इसमें, उनको हमने लॉग आउट कर दिया है। इस तरीके से आपको भी लॉग आउट कर देना है। और देखिए आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर लिंक डिवाइस दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यूज मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वाईफाई वाले पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका पासवर्ड भी डला है व्हाट्सएप में तो उसको आपको अनलॉक कर देना है गाइस। तो इस तरीके से आपको क्यूआर खुल जाएगा मोबाइल में, और वो क्यूआर आपको लैपटॉप में इस तरीके से स्कैन कर देना है आपको गाइस, इस तरीके से आपने स्कैन कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ी देर में आप जो है लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये दिखा रहा है इस वाले डिवाइस में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए लैपटॉप में भी यहाँ पर आपके व्हाट्सएप आ चुका है। ये देखिए इस तरह, इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप लैपटॉप में खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखिए आप किसी से भी यहाँ पर चैट कर सकते हैं, लैपटॉप से ही अपने व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। और स्टेटस देखना है किसी का गाइस, तो यहाँ पर ओके कर देना है स्क्रॉल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जिसका भी आपको स्टेटस देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका स्टेटस। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, तो इसको बैक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपको लॉग आउट करना है गाइस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से लॉग आउट करना है अगर आपको गाइस, तो यहाँ पर चले जाएंगे आप। ये देखिए अगर आपको लॉग आउट करना है तो ये थ्री डॉट्स पर ओके कर देना है इस तरीके से, और नीचे देखिए लॉग आउट वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके और यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से आप लॉग आउट कर देंगे गाइस, और ये देखिए लोडिंग हो रहा है, ये देखिए लॉग आउट हो चुका है गाइस। और आपको दोबारा व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो यहाँ पर उसका क्यूआर आ जाएगा, क्यूआर के जरिए आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।